हमीरपुर जिला में जंगलों में आग लगने का सिलसिला बरसतूर जारी है। रविवार को भी जंगल दहकते रहे। गलोर क्षेत्र के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला पला ब्राह्मणा में दोपहर बाद तक जंगल में लगी आग में पूरा जंगल जलकर राख हो गया। गलोर क्षेत्र के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला पला ब्राह्मणा रविवार दोपहर बाद जंगल में लगी आग से बाल बाल बच गया। स्कूल के साथ सटे बाबा बालकनाथ मंदिर व गौ सदन में हर रविवार को सैकड़ों लोग पूजा अर्चना और सेवा के लिए आते हैं। शाम 5 बजे के करीब कथित तौर पर शरारती तत्वों ने जंगल में आग लगा दी और चंद मिनटों में ही जंगल धुंधु कर जलने लगा। कुछ ही समय में तेज तूफान की वजह से आग ने राजकीय उच्च पाठशाला पला ब्राह्मणा को भी अपनी चपेट में ले लिया। मंदिर के पुजारी व संचालक देशराज शर्मा, पंचायत प्रधान राजकुमार सहित मंदिर आए श्रद्धालुओं की संगत ने आग बुझाने की कोशिश की और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी तरह स्कूल और मंदिर को आग की चपेट में आने से बचाया गया। इसके बाद सभी लोग गांव के उस ओर भागे जहां आग फैल चुकी थी। आगजनी से लाखों की वन संपदा भी राख हो गई। इस बार गलोड़ क्षेत्र के अधिकांश जंगल जलकर राख हो गए हैं। विभाग के कर्मचारी आग को बुझाने का प्रयास तो कर रहे हैं, मगर ये नाकाफी साबित हो रहा है। उप प्रधान राजकुमार शर्मा ने बताया कि 4 साल से ये जंगल नहीं जला था, मगर इस बार किसी शरारती तत्व ने आग लगा दी। हालांकि गनीमत रही कि मंदिर में आए हुए लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया, वरना स्कूल और गांव जलकर राख हो जाते। प्रधान जी, आज ये जो आग लगी है, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? ये जो स्कूल में, जो स्कूल के आसपास भयंकर आग लगी हुई है। स्कूल में आग जो लगी आज दोपहर के बाद ही लगी, 2:30 बजे के पास है। और आज बाबा जी का भंडारा था गौशाला में, और जो बाबा जी की संगत आई हुई थी उन्हें बड़ी मुश्किल से इस आग को काबू पाया, नहीं तो स्कूल जलने की पूरी ही संभावना थी। और स्कूल में सिर्फ एक चौकीदार था जिसने पूरा प्रयास किया आग को बुझाने के लिए, और जो गांव वालों का साथ दिया उस पर जाके आग पे काबू पाया गया।